अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की, जो बहुत मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है 1 केजी आलू जो हमने बॉईल कर लिए थे, 1 प्याली हमने प्याज, 2 अदद लिए हमने नींबू, और 3 से 4 हमने लिए हरी मिर्च, धनिया, और हमने लिए 2 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई कूटी हुई लाल मिर्च ले ली है। ये देखें आलूओं को अब हमने अच्छे से, ये हमारे आलू बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए हम लोग इसे आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे से इसको पीस लेंगे। हाथ की मदद से हमने इसको पीसना है, क्योंकि हम लोग इसे ना तो ग्राइंडर की मदद से पीसेंगे, ना ही हम इसे किसी चॉपर की मदद से। यदि अच्छे से हमने पीस लिया, अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें जो हमने आपको सब्जियां जो हमने इसमें धनिया, हरी मिर्च हम जो हमने ली हैं वो हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और हमने नींबू का रस निकाल लिया है, जो कि अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमने 2 अदद नींबू का रस लिया है और इसे हमने इसमें ऐड कर दिया। और हम आपको बताना भूल गए थे, हम 1 टी हाफ़ टी स्पून हम लोग इसमें चाइना नमक भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये सारे मसाले अच्छे से हम इसमें ऐड करने के बाद, जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया 2 टेबल स्पून हम वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने, ये देखें अब हमारा अच्छे से मिक्सचर रेडी है। अब हम इसकी टिक्कियां तैयार करेंगे। हमने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया था, इसलिए कि हमारे हाथों पे ये चिपके नहीं। तो हाथों पे ऑयल लगाने का मतलब ये होता है कि हाथों पे चिपकती नहीं है और टिक्की बहुत अच्छी सी शेप में रेडी हो जाती है, इसीलिए हम लोगों ने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया था। देखिए हमने टिक्कियां रेडी कर ली है। अब हमने 1 प्याली ली है, उसमें हमने 1 अदद अंडा लिया है, जो इसमें अच्छे से हम लोग इसे फेंट लेंगे, और हल्का सा ऐसे नमक हम डालेंगे, क्योंकि बाहर से भी अंडे में थोड़ा सा नमक हस्बे जायका होना चाहिए। अब हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर ऑयल भी साथ हमने, आप मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और इसे हमने अब अंडे में मिक्स करके हम लोग इसकी टिक्कियां फ्राई कर लेंगे। हम दोनों साइडों से हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद हमें अब देखें इसे पलट लेंगे। आई होप गाइज आपको हमारी टिक्कियाँ आलू की बहुत अच्छी लगी होंगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें कि हम आपके लिए नई नई रेसिपी ला सकें। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।